हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैकन। सो ये अभी हमारा एक न्यू सेशन है, दैट इज़ बैंकिंग बाय द क्रैकन। सो ये जो हमारा बैंकिंग सीरीज रहेगा, इसमें हम डिस्कस कर लेंगे बहुत जो इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक रहेगा, जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम अभी है फिलहाल, दैट इज SBI, राइट। सो SBI जूनियर एसोसिएट का अभी नोटिफिकेशन आ गया है। सो इसका जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम एग्जाम जून में अभी फिक्स था, बट मे बी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के लिए हमारा एग्ज़ाम शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। सो पर हमारा जो टारगेट है वही है एग्ज़ाम। जो भी अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है, सो उसको जैसे भी करके हमें क्रैक कर लेना है। तो इसके लिए हमारा जो आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है, उसमें कुछ आड़न करने के लिए हम ये जो लाए हैं स्पेशली, दैट इज़ SBI क्लॉर्क टारगेट सीरीज। सो हम इसमें क्या डिस्कस कराएंगे, इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमारा प्रीवियसली पूछा गया है रीजनिंग में स्पेशली, और हम और भी इसके साथ जो क्वांट है और इसके साथ जो है इंग्लिश, उसको भी कवर कराएंगे। फिलहाल इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका जो रीजनिंग है और उसका एक जो पजल सीरीज है, पजल जो जो आया है, क्योंकि हमारा रीजनिंग में स्पेशली जो पजल आ जाता है 15 मार्क्स जो हमारा नॉर्मल रहता है क्लोरिकल लेवल में, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चंस बहुत ईजी रहता है, फिर भी हमें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा है प्रिपरेशन, उसमें मेन बात ये है कि हमारा जो है एग्जाम पैटर्न के साथ हमारा एक अटैच रहना चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी, ठीक है। सो उसी के लिए हमारा इसमें एक हम जो प्रीवियस ईयर SBI का है, उसमें पूछा गया है ये वाला क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो दैट हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट रहेगा उसमें आपको बेनिफिशियल रहेगा आप सबका प्रिपरेशन में, ठीक है। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, राइट। सो Let's start it. I am Sumant. Welcome to our channel. So ये रहा हमारा first questions. So इस questions में हम आप देख सकते हैं, इट्स ए वेरी इजी वन, राइट। सो छोटा सा पजल रहता है क्लरिकल लेवल में, बहुत ज़्यादा इजी रहता है। इसको हमें समथिंग लाइक 2 मिनट्स, बहुत ज़्यादा हो गया, 1 मिनट के अंदर अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। पर टाइम का बात नहीं, अब जब एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्जाम आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हम एग्जाम के अप्रोच कैसा रहता है हमारा प्रिपरेशन का, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देख लीजिए, इसमें ऐसा ही रहता है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर दिस क्वेश्चन। 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, रिमेंबर दिस, दे आर सिटिंग, मतलब वो लोग एक सर्कल में, ये वाला एक सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है, सर्कल बेस्ड पजल है, ठीक है, और दे आर फेसिंग टूअर्ड्स द सेंटर। तो होपफुली हम आशा करते हैं कि जो लोग न्यू है उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, और जो लोग ऑलरेडी प्रिपेरेशन कर चुके हैं आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम फेसिंग टूअर्ड्स द सेंटर करेंगे, इसको हम आउटसाइड दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे हम आरो करके दिखा लेंगे। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन, जल्दी से करते हैं। ए सिट्स थर्ड टू द, पहले एक सर्कल कर लेते हैं, दिस इज अवर सर्कल। सो ए सिट्स थर्ड टू द, और उसमें क्या दिखाया है, देखिए 8 फ्रेंड्स, सो हमारे पर्सन कितने हैं, 8 हैं। सो पहले हम ये सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो आप ऐसे आरो कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा से प्रिपरेशन करेंगे देन आप डायरेक्ट ऐसे करके आप अज्यूम भी कर सकते हैं कि आपका कितने लोग हैं, ठीक है, और आपका ज़्यादा इजी के लिए आप इसको आरो मार्क कर दीजिएगा, सो दैट आपको लेफ्ट राइट पता चल जाएगा। सी ये अगर हम इसको अगर कंसिडर करें, इसका जो ये क्या है, ये है राइट पार्ट, ये है लेफ्ट पार्ट, ठीक है। सो अगर हम बात करें ये वाला पॉइंट का, पकड़ लीजिए एक्स का, सो एक्स का राइट में कौन है, ये वाला, और एक्स का लेफ्ट कौन है, ये वाला। सो होपफुली हम आपका बेसिक क्लियर हो, वही अज्यूम करके इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस, ओके। सो ये रहा हमारा क्वेश्चंस। सो अब जल्दी से आपका पढ़ लिए होंगे होपफुली, सो जल्दी से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ए सिट्स थर्ड टू द पॉइंट, इसमें आपको सोचने का लाइट नहीं है, इसमें जल्दी डायरेक्टली आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सो ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी अगर ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड, रिमेंबर दिस, यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड लेफ्ट। सो पॉइंट कहाँ पर स्टार्ट होगा हमारा, बी, बी के बेसिस में हो रहा है, ठीक है। सो इसमें हम यहाँ पर बी लिखेंगे, तो इसका लेफ्ट कहाँ है, ये अगर सेंटर फेस कर रहा है, ये है सेंटर फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट रहेगा इस साइड में, ठीक है। सो फिर बी का थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3, सो ये रहा आपका ए,
बी विथ रिस्पेक्ट टू बी ए का पोजीशन है थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, ये रहा लेफ्ट, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो ये रहा ए का पोजीशन, ठीक है. सो व्हाइल सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, सी व्हाइल यहाँ पर कॉमा दिया गया है, रिमेंबर दिस, कॉमा मीन्स ये वाला जो है व्हाइल सेकंड टू द लेफ्ट मीन्स ये इंप्लाइज करता है ए का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए का पोजीशन क्या रहेगा, फिर से और एक स्टेटमेंट है कि सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, मतलब ए का जो भी पोजीशन रहेगा वो एफ का राइट में रहेगा सेकंड में, ठीक है. सो देखिए ए यहाँ पर रहा, अगर हम एफ यहाँ पर रख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट में हो जाएगा, तो इसको हम क्या रखेंगे, यहाँ पर अगर एफ रहता है, सी यहाँ पर अगर एफ रहता है वन टू, क्योंकि ये उसका राइट है, ठीक है. सो फिर ये रहा एफ, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है. सो डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए और बी, सी नेक्स्ट टू ए, रिमेंबर दिस, यहाँ पर जो पोजिशन है नेक्स्ट टू ए, मतलब ए का जो है, मतलब ए यहाँ पर रहा तो यहाँ पर डी नहीं रहेगा और यहाँ पर भी डी नहीं रहेगा, अगर बी, ए और बी लिखा, यहाँ पर भी डी नहीं रहेगा, यहाँ पर, मतलब उसका लेफ्ट राइट कंजिक्यूटिवली, नेक्स्ट टू मीन्स कंजिक्यूटिवली, मतलब आस पास, मतलब उसका जो नेबर जो होता है ना, कंजिक्यूटिवली, वी कैन से, ये जो वर्ड है अब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है. तो ऐसे ही देखिए, यहाँ पर हमारा जो है डी हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर हमारा डी हो नहीं सकता है, यहाँ पर भी डी नहीं हो सकता, आप इसको इजीली कर सकते हैं, मैं बस आपको दिखाने के लिए बोलता हूँ. तो फिर देखिए ये सब पोजीशन चला गया, यहाँ पर ए है, बी है, एंड यहाँ पर एफ है, यहाँ पर डी नहीं हो सकता है, तो एक ही पोजीशन बचा, तो यहाँ पर क्या होगा, डी, ठीक है, बस आपको अज्यूम करके डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है. सो डी का पोजीशन फिक्स हो गया. सो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, सी एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू इच अदर, सी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू इच अदर मीन्स जो सी एंड डी है क्या होगा ना, सी एंड जी वो लोग आसपास बैठेंगे, ठीक है. देखिए यहाँ पर हमारा ये पोजीशन फिक्स हो गया, यहाँ पर फिक्स हो गया, एंड यहाँ पर फिक्स हो गया, एंड यहाँ पर भी फिक्स हो गया, तो यहाँ पर सी जी कंसेक्यूटिवली बैठेंगे. तो देखिए यहाँ पर एक बाकी है, यहाँ पर एक बाकी है, पर यहाँ पर अगर सी को बैठेंगे जी बैठने के लिए जगह नहीं है, और जी बैठेंगे तो सी बैठने के लिए जगह नहीं है, दो ही है कंसेक्यूटिवली प्लेस, ये वाला, देखिए यहाँ पर एक प्लेस खाली है, यहाँ पर एक प्लेस खाली है, तो इसमें हम सी जी को कहीं पर भी बैठा सकते हैं, पर सी जी क्या है ना, पोजिशन फिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे सी और जी, अगर सी यहाँ पर हुआ तो जी यहाँ पर होगा, अगर जी यहाँ पर हुआ तो सी यहाँ पर होगा, तो ये दोनों प्लेस क्या हुआ, सी जी के लिए फिक्स हो गया, ठीक है. सो वही नेक्स्ट टू इच अदर मीन्स आसपास ही रहेंगे, मतलब कंजिक्यूटिवली बैठेंगे, दे विल बी नेबर्स. सो एस नेबर्स, एस नेबर सीट नेक्स्ट टू डी, सी नेक्स्ट टू डी मतलब डी के लेफ्ट और राइट में एच नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है. सो ये जहाँ पर भी डी रहेगा उसका लेफ्ट और राइट में एच नहीं होगा. सो यहाँ पर क्या है, एच नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डी है, ठीक है. सो और दो पोजिशन बचा है, तो यहाँ पर अगर एच नहीं हो सकता है तो एक ही पोजिशन बचा है, तो ये क्या हो गया, एच, ठीक है. सो ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट है सी, सी के लिए और एक सेंटेंस दिया, सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, बी के आसपास, और एक जो नेक्स्ट है बी के आसपास जो लेफ्ट राइट में कौन नहीं बैठेगा, सी नहीं बैठेगा, ठीक है. सो फिर यहाँ पर बी हो गया, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन था, यहाँ पर सी जी के ऑप्शन में बीच, मतलब सी एंड जी के बीच में कोई एक बैठने वाला था, पर यहाँ पर ये जो सेंटेंस है हमारा, ये भी जो डाउट है क्लियर हो गया. तो यहाँ पर क्या है ना, सी नहीं बैठेगा, तो फिर सी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, अगर सी यहाँ पर बैठेगा तो जी यहाँ पर नहीं बैठेगा, ठीक है. तो यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर ये जी हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया आपका. सो एक ही पोजीशन अभी बचा, सब कुछ हमारा क्लियर हो गया है. सो एक ही बचा मतलब ए बी सी डी ई, ई की बस बचा है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है. सो बस मैं आपको एक दूसरे डायग्राम बना के आपको क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ, ठीक है. सो इसमें बता दें सी, तो फिर हमारा डायग्राम कैसे रहेगा, डायग्राम हमारा ऐसे रहेगा, सी वन टू थ्री फोर एट. सो हम नीचे से स्टार्ट किए हैं, बी उसके बाद रहा ई, उसके बाद रहा डी, उसके बाद रहा एफ, एच, एंड नेक्स्ट वन इज ए, नेक्स्ट वन इज सी, नेक्स्ट वन इज डी, ये रहा सेंटर, ठीक है. तो आरो से आप पता चल कर सकते हैं सब कुछ सेंटर फेसिंग है, ठीक है. सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल आंसर. सो इसी के बेसिस में हमें क्या दिया होगा, फाइव क्वेश्चंस दिया होगा जिसको हम सॉल्व करना है, ठीक है.
ठीक है। सो बस आपको मैं समझा रहा था, बट ये जल्दी से हो जाएगा। बस जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ये 1-2 मिनट में हो ही जाना चाहिए। बस यहाँ पर थोड़ा ही मैं कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे हमारा अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है। सो देखिए, ये वाला रहा हमारा कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिट्स बिटवीन एच एंड ई। सो एच एंड ई के बीच में कौन सा वाला पेयर बैठते हैं। सी एच है यहाँ पर एंड ई है यहाँ पर, सो उसके बीच में एफ एंड डी बैठे हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा है पर बहुत ईजी है। स्टार्टिंग फ्रॉम एस पोजिशन, इफ ऑल द एट वी आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, ठीक है। सो यहाँ पर अगर देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन सिटिंग पोजिशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स इंक्लूडिंग ए विल नॉट चेंज। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन ऑफ ए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे ना, जल्दी से आप ऐसे कर सकते हैं। सी ए से आप क्लॉक वाइज, ये रहा आपका क्लॉक वाइज, ठीक है। क्लॉक वाइज ऐसे जाता है ना, आपका एक सर्कल ऐसा रहेगा, तो आपका देखिए क्लॉक वाइज कैसे ऐसे 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 जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एंटी क्लॉक वाइज और ये रहेगा आपका क्लॉक वाइज। सो यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपका हो गया क्लॉक वाइज, ऐसे ऐसे जाएगा। सो सी ए बी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जैसे ए बी सी डी होता है ना, वैसे आपको अज्यूम कर लेना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो ए से स्टार्ट करते हैं, बी सी डी लिखने का जरूरत नहीं, आप अज्यूम कर सकते हैं। सी ए यहाँ पर हुआ, बी आपको मैं लिख देता हूँ बी सी डी ई एफ जी एच। सी यहाँ पर हमारा ई का पोजीशन सेम रहा और जी का पोजीशन भी सेम रहा, सो कितने, दो ही पोजीशन रहा सेम। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू सेम है, ठीक है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। सो इसको मैं आपका इजी के लिए पहले इसको यस करते हैं। सो हमारा आंसर में ये था, ठीक है। सो इसी के बेसिस में हम इसको सॉल्व करेंगे। Which of the following pairs has only one person sitting between them if the counting is done in clockwise direction? So clockwise में अगर हम करेंगे तो which of the pair has only one person sitting between them? See A and B, A and B अगर हम clockwise इसको करेंगे, so that means हम इसको कैसे करेंगे, हमें इसको ऐसे clockwise देखेंगे। So A and B के बीच में तो देखिए बहुत सारा हो रहा है, 1, 2, 3, सी छोड़िए, तो फिर सी एंड डी के बीच में भी नहीं होगा। एफ एंड ई यहाँ पर अगर एफ को करेंगे तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, एफ एंड ई के बीच में कितना रह रहा है, डी है। सो ओनली वन पर्सन इज सिटिंग, सो यहाँ पर जो ऑप्शन था ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन देम, सो ऑप्शन नंबर एफ एंड ई। सो जी एच के बीच में भी देख सकते हैं, तो जी एच के बीच में अगर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज जी एंड एस है, तो भी जी एंड एस के बीच में 2 पर्सन रहता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु सिट्स टू द इमीडिएट इमीडिएट राइट ऑफ ई। सो ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, सी यहाँ पर ऑप्शन है, सो यहाँ पर ऑप्शन ई है। सो ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, सी ये रहा आपका लेफ्ट, ये रहा उसका राइट, सो ये रहा राइट, सो इमीडिएट राइट में डी बैठा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। सो सी के पोजीशन में बी का पोजीशन ऑफ बी, बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी, इसके अकॉर्डिंगली बी का पोजीशन क्या है, सी 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 यहाँ पर है, ए उसका राइट रहा, सो सी के अकॉर्डिंगली कितना, 1, 2, सो सेकंड टू द राइट, सो डायरेक्ट आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं सी। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी रहेगा आपका सेकेंड टू द राइट होना चाहिए, ठीक है। सो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है क्या होना चाहिए, सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सो ये आंसर होना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, सो ये वाला जो ऑप्शन है नहीं है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई, दैट इज नॉन ऑफ द दिस, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। बिकॉज इसका आंसर ये वाला है, ठीक है। सो ये था हमारा
एक छोटा सा पजल दैट इज प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। जब आपका 1 मिनट 2 मिनट्स लगेगा, आई जस्ट एक्सप्लेन सम डिटेल्स, सो इसमें इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज इट विल टेक समथिंग 1 to 2 मिनट्स, क्योंकि एग्जाम में आपको क्लॉरिकल एग्जाम में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। सो हमें इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है एंड विथ एक्यूरेसी, ठीक है। सो मिलते हैं कुछ और के क्वेश्चन के साथ, टिल दैट पॉइंट मिलते हैं, एंड कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियोज, एंड लाइक सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू।